क्या हुआ? तुम्हें तो इतनी भूख लगी थी, तो फिर यहां क्यों खड़े हो? डाइनिंग टेबल पे क्यों नहीं? कब नहीं लगी, लगेगी तो खा लूंगा। क्यों, क्या हुआ? आपको नहीं पता क्या हुआ? मैं इतना थका हुआ आया था मामा, और डैड। बेटे छोड़ो ना, सारे डैड ऐसे ही बातें करते। क्या छोड़ूं यार, मैं अपनी जिंदगी का कोई भी डिसीजन खुद नहीं ले सकता क्या? फ्यूचर की कोई भी बात करने लगता हूँ डैड खफा हो जाते हैं। हाँ तो ऐसी बात नहीं है। कैसी बात है? बच्चा हूं मैं, छोटा सा, सारी जिंदगी उनकी उंगली पकड़ के चलूंगा क्या? तो क्या हो गया, मैंने सर के दो पीरियड ले लिए यार, व्हाट्स अ बिग डील? इतनी मोहब्बत से कहा था वहां। हाँ हादी, लेकिन तुम्हारा आराम, तुम्हारी सेहत, ये तो सब कॉम्प्रोमाइज होगा ना बेटे, सच अ टफ रूटीन। ये आप कह रही हैं, डॉक्टर्स मसीहा होते और मसीहाई आसान नहीं होती। बचपन से देखता आ रहा हूं आप दोनों को, दिन रात एक कर दिया करते थे, और जब मेरी बारी आई है तो आई शुड बैक ऑफ, रिलैक्स, अपनी हेल्थ को देखूं मैं, रियली? अच्छा ऑलराइट, इस टॉपिक पे हम बाद में भी बात कर सकते हैं। चल के खाना खा लो प्लीज, तुम्हें पता है अगर तुम नहीं खाओगे तो तुम्हारे डैड भी नहीं खाएंगे, प्लीज। आ रहा हूं मामा। एक तो आप इमोशनल ब्लैकमेल बहुत करती हैं मुझे। आ जाना, ओके, आई विल बी वेटिंग।